Hello friends, welcome to my channel. Now I am here with another video. This video is related to the chapter Chemical Reactions of class 10th. In this lecture or in this video, we are going to discuss about types of chemical reactions. Types of chemical reactions, हमारे पास बहुत सारी reactions होती हैं. उसकी हम different types read करेंगे. इन्हें learn करने के लिए हमारे पास एक trick है. जैसे हमने इसे लिखा है CDDDOR. इसका मीनिंग, इसका फुल फॉर्म अगर हमें लर्न करनी है तो हमारे पास है कम डियर डोनाल्ड डांस और रन. CDDDOR को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, जो एक लर्निंग ट्रिक है, कम डियर डोनाल्ड डांस और रन. फर्स्टली सी जो है वो किसे डिनोट करती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन. डी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट डी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड द अदर वन ओ आर मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन. फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. इन दिस रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटांसिस कॉम्बाइन टू प्रोड्यूस ए सिंगल सब्सटांस आर नोन एज कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन. इस रिएक्शन में अगर हम दो से ज्यादा कंपाउंड्स को या सब्सटांसिस को हम रिएक्ट करवाते हैं इन अ टेस्ट ट्यूब और सिंपली इन अ बीकर, तो हमारे पास जो न्यू सब्सटांस जो है फॉर्म होता है उसे, इस रिएक्शन को जिसमें एक न्यू सब्सटांस फॉर्म होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन और सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं. जैसे हमारे पास फर्स्ट है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कम्बाइन टू फॉर्म वाटर, जहां पर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है उन्होंने कम्बाइन करके वाटर की फॉर्मेशन की. नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर, जब हम मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम को एयर में बर्न करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. इसे हमने एक ऐसे जार में बर्न करना होता है जो ओपन हो, ताकि जो ऑक्सीजन है एनवायरनमेंट की वो रिएक्ट कर सके. जब हम मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट करते हैं इन द ओपन एयर, मैग्नीशियम रिबन जब मैग्नीशियम सब्सटेंस कोई हो उसे हम बर्न करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट व्हेन कैल्शियम डाइऑक्साइड, हियर इट इज कैल्शियम ऑक्साइड. When calcium oxide and carbon dioxide react, when they both react with each other, जब जो calcium oxide and calcium carbon dioxide react करते हैं तो calcium carbonate की formation होती है. Next reaction हमारे पास है decomposition reaction. इस reaction में जब एक compound, the reaction in which a compound is broken into two or more simpler substances are called decomposition reactions. जिस रिएक्शन में एक कंपाउंड जो है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो एक पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, जब वो किसी की मदद से, चाहे वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या लाइट की मदद से, वो जब ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजिस टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो इसने कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन की यहाँ पर. नेक्स्ट में व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट ब्रेक्स डाउन इनटू लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. हमारे पास जो लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है वो हमारे पास कलरलेस होता है. जब हम इसे किसी वी मीन से इसे हम डीकम्पोज करते हैं तो हमारे पास लेड मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है एंड ऑक्सीजन की. जो पहले लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन कलरलेस था, जब इसने डीकम्पोज किया तो वो जो सोल्यूशन है, जब वो पूरा कंपाउंड है वो ब्लैक हो जाता है. ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लेड मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है. लेड मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन होने से जो कलरलेस लेड नाइट्रेट है वो ब्लैक कलर की हो जाती है, और जब इसे डिकम्पोज किया जाता है तो हमारी टेस्ट ट्यूब या बीकर में से
जो हमारे पास वाइट फ्यूम्स, एक वाइट से फ्यूम्स जो है निकलते हैं, उसे वो फ्यूम्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है उसके रिलीज होने की वजह से हमारे पास वाइट डेंस फ्यूम्स जो है निकलते हैं बाहर। जब हम किसी को बर्न करते हैं तो हमारे उसे बर्न होने के बाद जो धुआं निकलता है, वैसे ही जो व्हाइट डेंस फ्यूम्स हैं वो निकलते हैं। व्हाइट डेंस फ्यूम्स किसकी वजह से निकलते हैं? क्योंकि जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है, सोल्यूशन जो है ब्लैक इसलिए हो जाता है क्योंकि लेड मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई है जहां पर। ये क्वेश्चन जो है वो दोनों इम्पोर्टेंट है कि जो लेड नाइट्रेट को डिकम्पोज करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन है वो ब्लैक ही हो जाता है, एंड व्हाइट डेंस फ्यूम्स किसकी फॉर्मेशन होने के बाद जो है वो इवॉल्व होते हैं। इसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसमें क्या होता है, जो हमारे पास कोई भी कंपाउंड्स है, जैसे कोई कंपाउंड्स उसके ऑक्साइड्स बन जाते हैं जो क्लोराइड्स, जब वो उन्हें हम डीकम्पोज करते हैं बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब किसी कंपाउंड में से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, जब उनकी मोल्टन स्टेट में होते हैं वो, जब उनकी मोल्टन स्टेट में होते हैं, देन वाटर जो है इसमें हमारे पास जो वाटर है वो डीकम्पोज होता है टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें हम वाटर में से हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, बिकॉज डिकम्पोजिशन वाटर को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक करने के लिए किसी मीन को यूज किया गया है। इसमें मीन मींस कि इसे किसी तरह की एनर्जी प्रोवाइड की गई है ताकि ये ब्रेक डाउन हो सके, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास की गई, इसलिए ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में फॉर्म हुआ। देन हमारे पास है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड, इसमें भी हमने मोल्टन जो है सोडियम क्लोराइड लिया, इसमें हमने जब इलेक्ट्रिसिटी मोल्टन सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से पास की तो उसने भी हमें सोडियम एंड क्लोराइड क्लोरीन की फॉर्मेशन की। इसके बाद हमारे पास है कि हमारे यूसेस क्या है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। यूज इसका है कि जैसे हमारे स्टमक में हमारे इस जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, हम जो खाना खाते हैं वो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से ही डिजेस्ट होता है। जैसे फूड, जब द फूड वी ईट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स, जैसे हमें पता है कि हमारा हम जो भी फूड खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स भी होते हैं, जो हमारी हमारे अंदर गैस्ट्रिक जूसेस हैं या फिर कुछ कोई एंजाइम्स हैं वो उन्हें ब्रेक डाउन कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ग्लूकोज में डीकम्पोज हो जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, हमारी बॉडी कॉम्प्लेक्स चीजों को डीकम्पोज या हम कह सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो हमसे डीकम्पोज कर देती है सिंपलर सब्सटेंसेस में। उसी तरह प्रोटीन्स जो है उन्हें डाइजेस्ट करना इजी नहीं होता, इसलिए उन्हें पहले अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। इस फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन में हमारे पास जो रिएक्शन है विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हम इसे अगर सनलाइट की प्रेजेंस में AgCl सिल्वर क्लोराइड जो है उसे हम एक्सपोज करते हैं जब सनलाइट में, तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो हमारे पास सिल्वर एंड क्लोरीन की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमारे पास है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हम एक एसिड को एक बेस के साथ रिएक्ट करवाते हैं, इन विच एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सोल्ट्स एंड वाटर, जब भी हम किसी एसिड एंड बेस को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट्स को खत्म कर देते हैं और एक न्यू सब्सटेंस जो है इसकी फॉर्मेशन करते हैं। वो न्यू सब्सटेंस जो होता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं, जैसे यहाँ पर इसने सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन की, उसके साथ वाटर की प्रोडक्शन भी हुई। उसके बाद हमारे पास है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां इसे हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए रिएक्शन इन विच एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल इज डिस्प्लेस्ड बाय अनदर एटम, जब किसी भी रिएक्शन में कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो है मोलिक्यूल में प्रेजेंट होता है वो डिस्प्लेस किया जाता है किसी और एटम की वजह से, कोई और एटम आता है और रिएक्शन में उन्हें डिस्प्लेस कर देता है, इसे हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
जैसे हमारे पास एग्जांपल है, जब पीस ऑफ आयरन, हमने एक टेस्ट ट्यूब में पीस ऑफ आयरन लिया इज एडेड टू कॉपर सल्फेट, इसमें हमने पहले कॉपर सल्फेट ऐड की, कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसमें हमने एक पीस ऑफ आयरन जो हम कह सकते हैं आयरन नेल को प्लेस कर दिया जहां पर, जब रिएक्शन होगी इसमें हमने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में आयरन को ऐड किया तो हमारे पास फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन होती है, हमारा जो सोल्यूशन है वो ब्लू नहीं रहता, ब्लूइश कलर डिसअपियर हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि FeC प्लस C2SO4 था, यहां पर क्या हुआ, जो आयरन था वो ज्यादा रिएक्टिव था, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, आयरन जो था वो सल्फेट के साथ अटैच हो गया जहां पर और कॉपर को बाहर निकाल दिया। इसका मीनिंग ये है, ये जो हमने अब हम ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है लेस एक्टिव मेटल, ये जो मेटल है लेस एक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं, आयरन जो था वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए इसने कॉपर को उसकी प्लेस से रिप्लेस कर दिया एंड वहां पर खुद जो है वो अटैच हो गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। हमारे पास क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, और ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, जे हमें वहां पर ये रिएक्शन एज इट इज आ जाएगी और हमसे पूछा जाएगा कि ये रिएक्शन कौन सी है, तो ये रिएक्शन एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और इसमें सेकेंड क्वेश्चन है कि ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर क्यों हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन की वजह से, और इसके पास हमारे पास एक रेडिश कोटिंग आ जाती है, रेडिश कोटिंग ऑफ कॉपर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन द आयरन मेटल, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर्स बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब हमारे पास जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ये हमारे पास रिएक्शंस कुछ रह गई हैं, ये जो रिएक्शंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।